वेलकम वंस अगेन टू माय क्लास. टुडेस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल. अब ये आप सोच रहे होंगे कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स तो दोनों ही होते हैं, कोई सिंगुलर होते हैं कोई प्लूरल होते हैं. लेकिन आज का थोड़ा सा ट्रिकी है जो आप देखेंगे कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये ऐसे ही यूज होते हैं. जीन्स एक ऐसा वर्ड है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं. लेकिन कभी आपने सोचा कि जीन्स है तो एक कपड़ा, हम इसमें एस क्यों लगाते हैं, हम इसे जीन्स क्यों बोलते हैं? इसी तरीके से पैंट्स हम क्यों बोलते हैं, पैंट क्यों नहीं बोलते? शॉर्ट्स हम क्यों बोलते हैं, एक ही कपड़ा है, एस क्यों लगा हुआ है, ये जो एस है ना यहाँ पे ये क्यों लगा हुआ है? इसी तरीके से हम क्लॉथ्स क्यों बोलते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं अगर एक कपड़ा है तो हम क्लॉथ क्यों नहीं बोलते? तो मैं आपको बता दूं गाइस, जो क्लॉथ होता है CLOTH उसका मतलब होता है कोई एक प्लेन कपड़ा. जैसे थान का कपड़ा आता है, जैसे आप मॉप के लिए यूज़ करते हैं पोछा, तब आप क्लॉथ बोल सकते हैं. लेकिन पहनने वाले कपड़ों के लिए आप क्लॉथ नहीं बोल सकते, तब आप क्लॉथ्स ही बोलते हैं. क्लियर? इसी तरीके से सीजर्स, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं. सीजर्स यानी कि कैची, ये कभी भी सीजर नहीं लिखा जाता. अगर आप एक कैची की भी बात करेंगे तो भी आपको सीजर्स ही बोलना होगा. अब बात आती है अगर सीजर्स बोल रहे हैं तो फिर एक कैसे बोलेंगे, राइट? तो यही सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. इसी तरीके से ग्लासेस, इसे ग्लासेस बोलते हैं आप, ये भी तो एक ही है, फिर हम इसमें ग्लासेस क्यों बोलते हैं? तो गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप गौर करें, ध्यान दें इन वर्ड्स पे, तो आप पाएंगे जीन्स भले ही एक कपड़ा है बट उसमें दो पैर होते हैं. पैंट्स में दो पैर होते हैं, शॉर्ट्स में दो पैर होते हैं. सीजर्स की बात करें तो दो ब्लेड्स होते हैं. ग्लासेस की बात करें तो आप देख सकते हैं दो हैं, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं. ठीक है, क्लोथ्स के लिए यहाँ पे कुछ और ही नियम होगा. तो गाइज हम ये सब कुछ आगे सीखेंगे. अब ये तो आपने समझ लिया प्लूरल क्यों लिखते हैं, राइट? क्योंकि दो हैं तो हमने प्लूरल यूज किया. अब ये सिंगुलर नहीं लिखे जा सकते, एक पैर का पैंट्स नहीं हो सकता, राइट? तो अब आता है कि हम ऐसे सेंटेंस को कैसे बोले. कल मैंने एक नई जीन्स खरीदी, आपको बोलना है कल मैंने एक नई जीन्स खरीदी. तो अगर आप बोलते हैं आई बॉट अ न्यू जीन्स, आई बॉट अ न्यू जीन्स यस्टरडे, राइट? तो ये सेंटेंस देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन जब ये जीन्स प्लूरल है उसमें दो की बातें हैं इसीलिए हमने एस लिखा है, तो फिर अ तो इनकरेक्ट हो गया, राइट? तो हम बोल ही नहीं सकते यहाँ पे, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे. गाइस एंड तक बने रहिएगा, इसका मैं जवाब आपको आगे दूंगी. एक कैंची देना, अगर आप कुछ कर रहे हैं आप कहते हैं एक कैंची देना या जरा कैंची देना, तो आप क्या बोलेंगे? गिव मी अ सीजर्स. अब क्योंकि सीजर्स प्लूरल में ही यूज होता है, ये जो वर्ड्स हैं प्लूरल में यूज होते हैं, तो यहां भी ए इनकरेक्ट हो गया, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है. गिव मी अ सीजर्स नहीं बोल सकते. तो बोले क्या जब हम अ नहीं बोल सकते, तो हम क्या बोले? यहां पे तो हम ये भी नहीं कह सकते गिव मी टू सीजर्स, कि मुझे दो कैंचियां दो, दो ब्लेड्स हैं, तो टू भी नहीं बोल सकते. क्या बोलेंगे अभी आप समझेंगे. तुम्हारे पास चार चश्मे हैं, मान लीजिए आप चश्मा लेने जा रहे हैं, तो आपके घर में कोई कहता है तुम्हारे पास पहले से ही चार चश्मे हैं. अब चार आपने बोला तो उसका मतलब कि आपने आठ ग्लासेस की बात की उसमें, राइट? उसके अंदर के अगर पार्टीशन कर दें आठ, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ना यू हैव फोर ग्लासेस और यू हैव एट ग्लासेस, दैट वुड बी इनकरेक्ट एज वेल. अगर आप बोलते हैं यू हैव फोर ग्लासेस, ये भी गलत है. ठीक है, अगर आप किचन वाले ग्लास की बात करें तब आप ऐसे लिख सकते हैं यू हैव फोर ग्लासेस, कि आपके घर में चार ग्लासेस हैं, ग्लासेस वो पानी पीने वाले. बट अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. तो गाइज इन सेंटेंसेस को तो सही तरीके से सीखेंगे, बात यहीं पर खत्म नहीं होती. मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आई हूँ. ये तो वर्ड्स हैं जिसमें एस लगे हैं और ये सभी एज अ प्लूरल वर्ड यूज होते हैं. ठीक है, ये प्लूरल नाउन्स हैं, लेकिन इनका क्या, जैसे कि आपने देखा है मैथ्स कह लीजिए या मैथमेटिक्स कह लीजिए, इसमें एस लगा है तो क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? मैथ्स इज और मैथ्स आर. इसी तरीके से आप फिजिक्स लिखते हैं, यहां भी एस लगा हुआ है, फिजिक्स इज और फिजिक्स आर. ऐसे बहुत सारे चीजों पे चर्चा करेंगे गाइस आगे सेंटेंसेस के जरिए. सबसे पहले आप इसका जवाब देख लीजिए कि जब भी आपको ऐसे वर्ड्स को ये बताना हो कि एक है, दो है, तीन है, तो आप डायरेक्टली तो नंबर नहीं लगा सकते. आप ये नहीं बोल सकते अ जीन्स, वन जीन्स, टू जीन्स, लेकिन आप क्या यूज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा.
आप यूज कर सकते हैं अ पेयर ऑफ, ठीक है, अ पेयर ऑफ अगर आप एक की बात कर रहे हैं. दो तीन चार अगर यूज कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे पेयर्स ऑफ, है ना इंपॉर्टेंट. बहुत ही ध्यान से आप इसे देखिएगा. अब आप जो सेंटेंसेस बनाएंगे वो करेक्ट होंगे. पूछिए कैसे. अब अगर आपको बोलना है कल मैंने एक नई जीन्स खरीदी, तो आप बोलेंगे आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स यस्टरडे. क्योंकि यहाँ पे न्यू भी है इसलिए अ न्यू पेयर ऑफ बोलेंगे. अगर न्यू ना होता आप बोलते कल मैंने ये जीन्स खरीदी, तो आप बोलते आई बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स यस्टरडे. यानी एक जीन्स बताने के लिए अ पेयर ऑफ का आपने यूज किया. तो आप क्या बोलेंगे, आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स. अब आपका ये सेंटेंस परफेक्ट है यस्टरडे. क्लियर. इसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे अगर आपको बोलना है एक कैंची देना तो आप क्या बोलेंगे, गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स. गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स. अगर आपको बोलना है दो कैंचियां देना, तीन कैंचियां देना, तो आप क्या बोलेंगे, गिव मी टू पेयर्स ऑफ सीजर्स, गिव मी थ्री पेयर्स ऑफ सीजर्स. तो आप यहाँ पे पेयर का यूज करेंगे. तुम्हारे पास चार चश्मे हैं, यू हैव फोर ग्लासेस, इनकरेक्ट. अब यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, क्योंकि फोर है तो आप यूज करेंगे पेयर्स ऑफ, और आप बोलेंगे यू हैव फोर पेयर्स ऑफ ग्लासेस. You have four pairs of glasses. अब आपको जवाब मिल गया इन सभी वर्ड्स के साथ. जब भी ऐसा कुछ आए कि आपको एक दो तीन में बताना हो तो आप a pair of या फिर pairs of का यूज करेंगे. तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको याद रहे. आपको इनकी हेल्प से इन सेंटेंसेस को बनाना है, ना कि टू सीजर्स बोलेंगे ना तो ए सीजर्स बोलेंगे. आप बोलेंगे a pair of या फिर pairs of. ले लीजिए अभी एक स्क्रीनशॉट. तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस भी, सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, क्विज के जैसा है. आपको पहले अपने से सॉल्व करना है, फिर मैं आपको आंसर्स भी देती जा रही हूँ. तो अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि हमें क्या यूज़ करना है. अगर हम एक की बात करेंगे अ पेयर ऑफ, ज़्यादा की बात करेंगे पेयर्स ऑफ, ठीक है. योर न्यू सन ग्लासेस, अब यहाँ पे डैश एंड देन नाइस. मुझे कहना है कि तुम्हारे नए सन ग्लासेस अच्छे हैं, ठीक है. तो क्योंकि सन ग्लासेस है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, नाउन्स यूज ओनली इन द प्लूरल, ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं और ये नाउन्स हैं, ठीक है. अब मैंने यहाँ टाइट्स लिखा है तो मैं टाइट्स की बात कर रही हूँ जो पहना जाता है. टी आई जी एस टी टाइट वो अलग चीज है, मैं यहाँ नाउन्स की बात कर रही हूँ. योर न्यू सन ग्लासेस इज होगा या आर होगा, सोचिए. क्योंकि ये प्लूरल में ही यूज हो रहे हैं तो क्या आएगा, आर आएगा, प्लूरल वाली वर्ब आएगी. ऑफकोर्स Your new sunglasses are nice. जिन्होंने आर सोचा, परफेक्ट. I like. अब यहां it आएगा या them आएगा, तो क्योंकि ये plural है तो ऑफकोर्स them आएगा. परफेक्ट, आप लोगों ने भी सही समझा. ध्यान दीजिएगा them लिखा हुआ है. I like them. Your new sunglasses are nice. I like them. ये परफेक्ट सेंटेंस है. नेक्स्ट, which drawer dash pants go in, मतलब कि pants किस drawer में रखते हैं, ये पूछने के लिए भी आपने पूछा. तो यहाँ do और does का option है, सोचिए do आएगा या does आएगा. Perfect, क्योंकि ये pants है plural है तो do आएगा, does नहीं आ सकता, does तो singular के साथ आता है. Which drawer do pants go in? Perfect. Next, I need a then dash and then binoculars. Binoculars का मतलब क्या होता है? Okay, मैंने तो आपको मतलब बताया ही नहीं, पहले इन वर्ड्स को देख लेते हैं. Scissors यानी कि कैंची, ग्लासेस हो गए यानी कि चश्मा, सन ग्लासेस धूप वाला चश्मा, बिनोक्यूलर्स क्या है, दूरबीन, ठीक है, जिससे हम दूर की चीजें देख लेते हैं ना, दूरबीन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिनोक्यूलर्स. हेडफोन्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स जो आप ईयर्स में लगाते हैं. ट्वीजर्स, ट्वीजर्स होता है चिमटी, ठीक है. पजामास, जीन्स, पैंट्स, ये सब पहनने वाली चीजें हैं, ये सभी टूल्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स की पार्ट्स.
टाइट्स, ट्राउजर्स, निकर्स, शॉर्ट्स, इन सब में दो दो पैर होते हैं इसलिए ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो अब यहाँ आते हैं बिनोक्यूलर्स यानी दूरबीन। सो आई नीड अ बोल दिया मैंने, अ यानी एक की बात कर रही हूँ, लेकिन पेयर होता है तो यहाँ क्या आएगा, पेयर ऑफ या पेयर्स ऑफ। परफेक्ट, अ पेयर ऑफ, आई नीड अ पेयर ऑफ बिनोक्यूलर्स। ठीक है, नेक्स्ट, आई बॉट थ्री शॉर्ट्स फॉर द समर। अब ये शॉर्ट्स है, प्लूरल है, थ्री है, तो थ्री के साथ क्या आएगा, पेयर्स ऑफ। गुड ट्राई, आई बॉट थ्री पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स फॉर द समर। मैंने गर्मियों के लिए तीन शॉर्ट्स खरीद लिए हैं। अब हम हिंदी में भी इसको बोल सकते हैं तीन जोड़े, लेकिन मोस्टली आप पाएंगे एक जीन्स दो पैंट्स, हम ऐसे ही बोलते हैं। इंग्लिश में बहुत ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर देन डैश माई ईयरफोन्स। मेरे ईयरफोन्स कहाँ है, तो क्योंकि ये प्लूरल है तो इज आएगा या आर आएगा, सोचिए। बिल्कुल, आपने ऊपर भी देखा आ रहा था, यहां भी आया, वेयर आर माई ईयरफोन्स। परफेक्ट, आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू डैश ईयरफोन्स। अब क्योंकि अ बोल दिया तो ऑफकोर्स यहाँ पेयर आना ही आना है, अ न्यू पेयर ऑफ। आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू पेयर ऑफ ईयरफोन्स। तो आप कह रहे हैं कि मैं एक नया ईयरफोन लेने जा रहा हूँ, तो आपकी मम्मा कहती हैं, डोंट यू हैव टू डैश ईयरफोन्स ऑलरेडी, मतलब कि क्या तुम्हारे पास दो ईयरफोन्स पहले से नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू पेयर्स ऑफ। ठीक है, आपकी मम्मा कहती है, डोंट यू हैव टू पेयर्स ऑफ ईयरफोन्स ऑलरेडी, क्या तुम्हारे पास दो जोड़े ईयरफोन्स पहले से नहीं है जो अभी एक नया लेने जा रहे हो। नेक्स्ट, द ट्राउजर्स अप आर या इज, ऑफकोर्स आर, द ट्राउजर्स आर टू टाइट। तो अगर आप अभी तक ये बोलते रहे हो माय जीन्स इज टॉर्न और समथिंग, तो अब से आप ध्यान दीजिएगा, जीन्स के साथ आर आएगा, टाइट्स के साथ आर आएगा, ट्राउजर्स, यानी कि यहाँ जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करने वाले हैं उनकी, जहाँ हम बोलेंगे नाउन्स यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर। ठीक है, अब देखते हैं उन नाउन्स के बारे में जो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, भले ही उन वर्ड्स में एस लगा हो। नाउन्स यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर, द नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स। अब आप देखिए, जैसे मैथमेटिक्स में एस है बट ये सिंगुलर ही है, और मैथ्स भी बोलते हैं इसे, एस लगा होता है। फिजिक्स में एस बट सिंगुलर, क्लासिक्स, इकोनॉमिक्स, और कुछ डिजीजेस जैसे मीजल्स, मम्स, इनमें एस भले लगा है बट ये सिंगुलर ही है, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। फिर आते हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी पे, तो जिमनास्टिक्स, एरोबिक्स, तो आप ध्यान दें सब में एस लगा है, राइट। अब इन्हें कैसे यूज करना है, क्योंकि मैंने कहा ये सिंगुलर की तरह यूज होंगे, तो इनके साथ वर्ब इज आ सकती है, वॉज आ सकती है, आर नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे आंसर भी देना है, मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल, और मैथ्स वॉज माय फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल, और मैथ्स वर और आर, क्या यूज करेंगे। अभी मैं स्कूल में तो नहीं हूँ, एट स्कूल बोल दिया तो पास्ट की बात हो गई, राइट। तो पास्ट में वॉज या फिर वर, मैथ्स के साथ परफेक्ट, मैथ्स वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है, मैथ्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज फॉर यू गाइज, विच वन वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था जब आप स्कूल में थे। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा है यूके एंड यहाँ यूएस, तो ध्यान दीजिए स्पेलिंग में फर्क है, एफ ए वी ओ यू आर आई टी, यहाँ एफ ए वी ओ आर आई टी, दोनों ही स्पेलिंग्स ठीक है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है और ये अमेरिकन में, ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सो फिजिक्स है इज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एरोबिक्स इज ग्रेट फन, या फिर आर इज, एरोबिक्स इज ग्रेट फन, यू शुड ट्राई इट, या फिर देम, ऑफकोर्स यहाँ पे इट आएगा। जब इससे पहले आपने प्लूरल वाला सीखा था तो सब में आर आ रहा था, देम आ रहा था, और यहाँ पे इज आ रहा है और इट आएगा, यू शुड ट्राई इट, क्योंकि ये सिंगुलर है। नेक्स्ट, मम्स जो कि बीमारी है, मम्स इज क्वाइट सीरियस डिजीज,
यस इज आएगा. तो भले ही आगे से आप मीजल्स मॉम्स इन सब वर्ड्स को देखें तो इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है. सो इज वॉज इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. होप कि आपको ये समझ में आ गया हो. अब आप समझ गए कि ये वर्ड्स एस होते हुए भी सिंगुलर हैं और कुछ वर्ड्स इससे पहले आपने सीखे वो प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, उनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आती है, ठीक है. अब बचा हुआ है क्लोथ्स, जो कि मैंने आपको बताया था CLOTHES. ठीक है, तो अगर इस पे सेंटेंस बनाना है योर क्लोथ्स आर हम यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल की तरह ही यूज होता है. योर क्लोथ्स आर सॉरी वेट, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, गो गेट चेंज, जाकर बदल लो. योर क्लोथ्स आर वेट. इसी तरीके से तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ये प्लूरल की तरह ही यूज होता है हमेशा, जैसा कि मैंने पहले वाले में बताया था. ये वर्ड रह गया था इसलिए यहाँ लिखा मैंने. अब एक वर्ड है न्यूज. जानते हैं आप न्यूज को, कभी आपने न्यूज सुना? न्यूज एक ऐसा नाउन है जो कि हमेशा इसके साथ ही यूज होता है. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूज के साथ आप नंबर्स नहीं यूज कर सकते, लाइक वन न्यूज टू न्यूज इस तरीके से नहीं यूज कर सकते. अगर आपको ये बोलना हो कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है तो आप ये नहीं बोल सकते आई हैव गॉट अ न्यूज फॉर यू. आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट सम न्यूज फॉर यू, ठीक है. सम का यूज कीजिए. आई हैव गॉट सम न्यूज, ठीक है. अ नहीं यूज करेंगे. सम न्यूज फॉर यू. या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ पीस ऑफ न्यूज. अ पीस ऑफ का यूज कर लेंगे. अगर दो खबर लेके आए तो आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट टू पीसेज ऑफ न्यूज फॉर यू, ठीक है. तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि न्यूज और क्लोथ्स इनका भी कैसे यूज करना है और ये साथ ही साथ पहले वाला. तो एक काम कीजिएगा, अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें. उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले. और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो लिख के जरूर बताइएगा. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.